जब अंग्रेजों का गुलाम था ये हमारा भारत, उस समय अमेरिका से एक मिशनरी को भेजा गया। उसको भेजा गया कि जाओ भारत और जाकर के भारत को ईसाई राष्ट्र बनाओ। और वो 21-22 साल का नौजवान था जिसका नाम था सैमुअल इवान स्टॉक। ईसाई राष्ट्र का मिशन देकर के उसको भेजा गया। वो भारत आया, भारत में शिमला गया, वहां पर उसने एक तरफ से लोगों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया। जब धीरे धीरे काम चलने लगा तो अचानक से हिमाचल में प्लेग की बीमारी फैल गई, जैसे आज कोरोना की बीमारी फैल गई, ठीक उसी प्रकार प्लेग की बीमारी भी छुआछूत की बीमारी थी। लोग अपने परिजनों को छोड़ छोड़ करके भागने लगे, जैसे घर में किसी को प्लेग हो गया तो घर में छोड़ करके चले गए। तो ऐसे ही जब देखा सैमुअल इवान स्टॉक ने कि जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि लोग अपने परिजनों को छोड़ छोड़ करके भागने लगे, उस समय वहां पर एक समाज सेवी थे जिनका नाम था पंडित रुलिया राम। वो पंडित रुलिया राम निस्वार्थ भाव से ऐसे लावारिस पड़े लोगों की सेवा कर रहे थे। तो सैमुअल इवान स्टॉक ने देखा कि पंडित रुलिया राम एक खाट के पास है जहां पर एक वृद्ध आदमी को लेटा हुआ है और वो प्लेग के मारे तड़प रहा है और उसके गले में एक गिल्टी हो गई है जिसके मारे उसको तड़पन हो रही है। तो पंडित रुलिया राम ने क्या करा, एक कपड़ा लिया, उसकी गर्दन पे रखा और मुंह से उस गिल्टी को निकाल करके उसकी पीड़ा को खत्म कर दिया, उसका मवाद मुंह से निकाला। और जब इस दृश्य को सैमुअल इवान स्टॉक नाम के मिशनरी ने देखा, उसने कहा ये तो सेवा की अत्यंत पराकाष्ठा है, सेवा की उत्कृष्टता है। मैं जो सेवा के नाम पर लोगों को ईसाई बना रहा हूं, ये तो फरेब है, ये तो धोखा है, ये तो फ्रॉडगिरी है, ये तो षड्यंत्र है, और ये तो निस्वार्थ सेवा है जहां इनको कुछ नहीं मिलना, ये मर भी सकते हैं, छूने पे लोग मर जा रहे हैं और ये उनकी ऐसी सेवा कर रहा है। उस समय सैमुअल इवान स्टॉक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो उनने पंडित रुलिया राम से कहा, सैमुअल इवान स्टॉक ने, कि ये क्या सिद्धांत है, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिसके चलते आपके अंदर इतनी तन्मयता, इतनी तल्लीनता है लोगों की, समाज की सेवा के प्रति। तो पंडित रुलिया राम ने कहा ये सनातन धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो हमें मानवतावाद का उपदेश देते हैं और मैं वही कर रहा हूँ। संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया के सिद्धांतों को पालन कर रहा हूँ। तो सैमुअल इवान स्टॉक ने कहा मैं भी ये सनातन धर्म के सिद्धांत जानना चाहता हूँ। तो सैमुअल इवान स्टॉक को पंडित रुलिया राम ने सत्यार्थ प्रकाश दिया, द लाइट ऑफ ट्रुथ नाम की एक पुस्तक दी, बोला तुम ये पढ़ो और तुम्हें सनातन धर्म का पूरा सारांश पता चल जाएगा कि सनातन है क्या। सैमुअल इवान स्टॉक ने उस पुस्तक का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया कि आया तो था वो भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने, वो भारत को आजाद कराने की लड़ाई में कूद पड़ा, और जब वो लड़ाई में कूद पड़ा तो अंग्रेजों ने उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया तो उसकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई। जेल से निकल के आने के बाद उसने पंडित रुलिया राम से मिला और बोला कि मैं अब सनातन धर्मी बनना चाहता हूँ और मैं अपना नाम भी, क्योंकि आपने जो मुझे सत्यार्थ प्रकाश दी थी द लाइट ऑफ ट्रुथ, उसको पढ़ने के बाद मेरा हृदय सनातन की और श्रद्धा से भर गया है, तो मैं नाम भी अपना उसी सत्यार्थ प्रकाश से अभिप्रेरित होकर रखना चाहता हूँ, अपना नाम सत्यानंद रखना चाहता हूँ। और वो व्यक्ति सत्यानंद आर्य सन्यासी बन गया और भारत में रहकर के मृत्यु पर्यंत सनातन धर्म का प्रचार करता रहा। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जिसको भारत को ईसाई मुल्क बनाने के लिए भेजा गया था लोगों के साथ छल कपट करके, वो व्यक्ति सनातन धर्म का प्रचारक बन गया। उसने अपनी पत्नी को भी सनातन का प्रचारक बना दिया, अपने घर के एक कोने में यज्ञशाला खोल दी। आज भी हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वो यज्ञशाला विद्यमान है, वहां उपनिषदों के मंत्र उकेरे हुए हैं उस यज्ञशाला में, उसके घर में आज भी वो भगवद गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये प्रमाण है कि सनातन को कभी ना उस समय, ना आज, ना आने वाले समय में कभी भी लोगों पर थोपा नहीं गया, ना तो तलवार के जोर पे, ना भय और लालच और षड्यंत्र के जोर पे। सनातन से लोग आए और प्रभावित हो गए। फादर कैमिल बुल के ईसाई मिशनरी थे, आए रामायण से प्रभावित हो गए, सनातन धर्म का प्रचार करने लगे। बाहर से लूसी गेस्ट आई, सनातन धर्म से प्रभावित हो गई, भारत में गुरुकुल खोल दिया। स्टैनफोर्ड की एक महिला आई, भारत में आके गंगा के पास बैठी, साध्वी भगवती सरस्वती बन गई। एक व्यक्ति स्विट्जरलैंड से पैदल भारत आ गया, 4 साल 18 मुल्क पैदा करते हुए, कोई गया था उसके कंधे पर बंदूक रखने और उसका नाम हो गया बैन बाबा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं बताऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। सनातन को कभी भी किसी पर थोपा नहीं गया, लोग आए खुद बन गए। मौलाना महबूब अली खुद पंडित महेंद्रपाल आर्य बन गए, खूब सारे मौलाना मतलब इमाम मस्जिद के खुद सनातन धर्मी बन गए। हमने किसी को जोर नहीं दिया, किसी को जबरदस्ती नहीं करी, लोग आए और बन गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है।